जम्मू का सांप्रदायिक कहने वालों को भाजपा का जवाब, आंखों पर बंधी पट्टी और धुंध को हटाने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार का बनने का फिर से दावा। अपने आप को जम्मू कश्मीर का झंडा दरार मानने वाले सियासी दलों पर भड़की अपनी पार्टी। बुखारी ने आवाम को मायूस करने और हकों की आवाज न उठाने का लगाया आरोप। और जम्मू जिले के अखनूर इलाके में कोरोना ने फिर से दी दस्तक। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला महामारी की चपेट में, जीएमसी जम्मू में चल रहा इलाज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को सांप्रदायिक करार देने वाले सियासी दलों को करारा जवाब दिया है। भाजपा का कहना है कि जम्मू सूबे में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि कश्मीर में मात्र एक ही वर्ग के लोग बसे हुए हैं और यही वजह है कि जम्मू से जम्मू कश्मीर के हितों की आवाज उठती है तो उसे सांप्रदायिक के साथ जोड़ दिया जाता है। सांबा में आज भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले सियासी दलों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिन्हें आज समझ लेना चाहिए कि जम्मू अब उठ खड़ा हुआ है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार भी भाजपा की ही होगी। और दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी कहा कि इतिहास गवाह है कि जम्मू के लोग देशभक्त हैं और यहाँ के वीरों ने सरहदों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। कि जब जम्मू संभाग ही जम्मू कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कश्मीर में केवल और केवल सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रहते हैं, तो अगर जम्मू से कोई आवाज जम्मू कश्मीर की निकलती है वो कम्युनल नहीं हो सकती। जो ये लोग कह रहे हैं उनकी नजरों पर पर्दा पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं धुंध छाई हुई है। अब जम्मू उठा है, जम्मू की आवाज होगी, जम्मू से जम्मू कश्मीर की आवाज निकलेगी। हम सबको साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, हर हिस्से को साथ ले, हर खित्ते को, हर सब खित्ते को साथ लेके चलेंगे। आने वाली सरकार जो है माता वैष्णो देवी की कृपा से भाजपा की जम्मू कश्मीर में बनेगी और एक नई इतिहास लिखा जाएगा। जम्मू को जम्मू का हक मिलेगा, जम्मू के हर वर्ग को हक मिलेगा, जम्मू संभाग के हर, जम्मू डिवीजन के हर वर्ग को अपना हिस्सा मिलेगा, कश्मीर को अपना हिस्सा मिलेगा, जम्मू को भी अपना हिस्सा मिलेगा और जम्मू के लोगों का विकास होगा, जम्मू के लोगों की बेहतरी होगी, जम्मू के लोगों को जराए मिलेंगे नौकरी के और आगे बढ़ने के। आप इस सवाल इस बात का कि हम कहां का, हम तो हमेशा देशभक्त रहे हैं। देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, जिस धरती पर खड़े हैं यहाँ के मान सबूतों ने इस देश को बचाने के लिए सरहदों पे खून दिया है और इस भारत को एकता के लिए काम किया है और हमारे यहाँ वीरों ने, मैं उस धरती से पैदा हुआ हूँ जहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो है, यहाँ प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, मैं उस धरती और उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और यहां से धारा 370 और 35A को हटाने पर कड़ा एतराज जताते हुए अपनी पार्टी ने उन सियासी दलों को भी आड़े हाथों लिया है जो पिछले 7 दशकों से अपने आप को जम्मू कश्मीर का झंडावरदार मानती रही। और पुंछ में आज अपनी पार्टी के सदर जो अल्ताफ बुखारी हैं, इन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिए बिना यहां दोनों पार्टियों को खड़ी खुंडी सुना दी है। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को यह विश्वास था कि ये दोनों दल केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन इन दोनों दलों के नेता जब नजरबंद कर दिए गए तो उन्होंने इसका एतराज जताना तक गवारा नहीं समझा क्योंकि आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। पिछले 70 साल में हमें ये कहा गया था ये वो पुल है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। अफसोस, जिन लोगों ने हमें ये धोखा दिया 70 साल, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आए जब बुजुर्ग से कलम पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब थे और उन्होंने कहा हम न सिर्फ 370 और 35A खत्म करते हैं बल्कि जो ये रियासत है इसको भी डाउनग्रेड करते हैं। हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना है कि किसी रियासत को यूटी के दर्जे के लाया है। ठीक है, दिल्ली की सरकार ने ये किया, लेकिन जो हमारे लीडर हैं जो 70 साल से कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी पार्टियों के प्रेसिडेंट रहे,
और कभी उनके फर्जंद रहे, कभी उनके वाले साहब रहे, कभी किसी के वाले रहे, कभी कोई बेटी रही, सब चीफ मिनिस्टर रहे, तो शायद ये आप बाहर निकल के सड़कों पे लोगों के लिए लड़ेंगे। इस 370 और 35 के लिए जिसकी ये हिफाजत और जमानत की बातें करते थे, शायद ये इनकलाब पैदा करेंगे, वो रातों रात इसको वापस लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो खुश हो गए कि सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट रखा है। उनको तो ऐसा लगा कि चलो भाई जान बची लाखों पाए। शायद उनका मतलब ये था कि उनको जितनी देर बांध रखेंगे अच्छा है, ताकि लोग खुद ही अपने जो उन पे कहर टूट पड़ा है उसका सामना करें। तो जम्मू जिले के अखनूर इलाके में भी अब कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अखनूर की 60 वर्षीय बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसे इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अखनूर के बीएमओ डॉक्टर अशोक के मुताबिक ये महिला अपनी बेटी के पास उसके ससुराल में रह रही थी और खुद भी वो कोविड पॉजिटिव थी, और वापस लौटने पर इस बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और नासाज होने के बाद यहां पर रैपिड जांच कराई गई, जिसमें ये कोरोना संक्रमित पाई गई। तो उसकी उम्र कोई 60 के करीब है। तो जैसे ही वो आई गाड़ी में, तो हमने टीम वाले को बुलाया हुआ था, तो उसका गाड़ी में ही हमने टेस्ट किया, क्योंकि वो थोड़ी सिक थी, उसको जुकाम बुखार खांसी थी। तो मैंने लड़कों को बोला इसका गाड़ी में ही कर लो। तो जैसे ही वो पॉजिटिव आई, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो उसको हमने मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट कर दिया था। तो आज भी सुबह मैंने फोन किया था, वो उधर ठीक है, एडमिशन है। तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि पहले उसकी लड़की पॉजिटिव हुई थी, तो वो लड़की को देखने जम्मू गई हुई थी। तो वहां उसके पास लड़की के पास 3-4 दिन रही, जहां उसकी लड़की की शादी हुई है। तो वो रहने वाली हमारे यहाँ अखनूर शिकील में एक नई बस्ती पड़ता है नाटक, वहां की रहने वाली। तो बाकी मैंने अपने जहाँ हॉस्पिटल में 2 एनओ को लगाया हुआ है, वो सारा चेक करते हैं कि कहाँ पे कोई मास्क पे वगैरह घूम रहा है, उसको मास्क हम दे भी देते हैं, नहीं तो उसको बोलते हैं कि 2-3 रुपए का मास्क आता है, वो बाहर से दे। तो डोडा में सड़कों पर अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ शुरू की गई ई चालानिंग की मुहिम यहां विवादों में घिर गई है। ट्रैफिक पुलिस भले ही पिछले करीब 15 दिनों से मुनादी कर लोगों से ऐसा करने से परहेज करने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने से बाज नहीं आ रही है और ट्रैफिक पुलिस इस मुहिम पर सवाल लगाने लगी है। और डोडा के एक शख्स की गाड़ी पर ही ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर यहां स्टिकर क्या लगा दिया है, उसे पूरी तरह से देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने भरे बाजार में ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी को ही खरी खोटी सुनाकर तमाशा खड़ा कर दिया। और इस पूरे मामले का क्या कुछ कहना था इन लोगों का, जरा देखिए। मेरी पर्सनल गाड़ी साइड पे लगी थी सिर्फ हार्डली फॉर 5 मिनट्स, ये पीछे से आ गया, कहीं से इसने गाड़ी रुकाई और उसमें से लेकर लगा दिया। मैंने कहा सर आपका पूरा शहर भरा हुआ है रॉन्ग पार्किंग से, आप देसा रोड देखो, मस्जिद हुदा का एरिया देखो, आप देसा रोड पूरा पुलिस लाइन के गेट से और घंटाघर तक, फॉरेस्ट ऑफिस से लेकर आप बस स्टैंड तक जाइए, बस स्टैंड से आप आगे बर्फ रोड पूरा भरा हुआ होता है रॉन्ग पार्किंग से, आपके लाइब्रेरी के बिल्कुल वॉल के साथ, बिल्कुल लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग की वॉल है उसके साथ पूरी रॉन्ग पार्किंग पड़ी हुई, और रॉन्ग पार्किंग की वजह से वहां लोग आड़ में वहां गंदगी करते हैं। हम 5,000 छोड़कर 10,000 फाइन दे देंगे। मैं हमारा ये कहना है कि ओवरऑल सिटी को वॉश करो, साफ करो। ये रॉन्ग पार्किंग ये 2 दिन का खेल नहीं है, ये मिस्टर पंकज एक दिन चलेंगे यहाँ स्टिकर लगाने के लिए तो पूरा शहर, हमको नहीं पता है हम इस शहर में देर रात फंसते हैं, यहाँ इनकी जैमिंग, बस अड्डे की जैमिंग क्या कर रही है, बस अड्डे के बाहर जो जैमिंग है, ओल्ड बस स्टैंड अप टू न्यू बस स्टैंड जैमिंग क्या कर रही है, आप देख लीजिए डीसी ऑफिस के बाहर कितनी रॉन्ग पार्किंग है। देखिए इशू जैसे है कि जब हम रॉन्ग पार्किंग पे जो गाड़ियां लगी हैं, जब हम उनको स्टिकर चलान लगा रहे हैं, तो उसमें हम किसी की गाड़ी छोड़ नहीं सकते, कोई आदमी बड़ा है कोई छोटा है, वो हमारे लिए सब बराबर है। जिसकी भी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग पे उसको स्टिकर लगेगा, तो जो लोग शोर करते हैं कि यार हमारी को लग गया इसको नहीं लगा, वो सबको हमने एक ही, मेरी सब नजर में सभी बराबर है और सबको लगे, जिसकी भी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में हो विदाउट रैंक स्टेटस उसकी गाड़ी को स्टिकर चलान लगेगा। हमें चलेगी हर जगह, डोडा, ठाठरी, किश्तवाड़, इवन बद्रवा, सब जगह पे आज ये रॉन्ग पार्क, इसका रॉन्ग पार्किंग को लेकर स्टिकर चलानिंग करी जा रही है और हर जगह करी जाएगी और लगातार कंटिन्यू रहेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपनी गाड़ी बिल्कुल पार्किंग में लगाएं, जो पार्किंग हमारे पास प्राइवेट पार्किंग, दूसरी पार्किंग अवेलेबल है, जिसको भी गाड़ी हमें मिलेगी रॉन्ग साइड में उस पर स्टिकर चलानिंग लगाई जाएगी।
तो देश में यूरिया की खपत को आधा करने का प्रधानमंत्री का मिशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये उनका मिशन पूरा यहां पर किया जा रहा है। इंडिया फार्मर्सेज फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड यानी इफको, जिसका उत्पादन यहां नैनो यूरिया कृषि के क्षेत्र में एक मील पत्थर साबित होगा, और इफको के डिप्टी जनरल मैनेजर SS दलाल ने नैनो यूरिया को आज जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दिया। उनके मुताबिक एक बैग यहां यूरिया के बदले अब नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल की तरह ही यहां पर यूरिया का काम होगा। ml की ये बोतलों का इस्तेमाल होगा और ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, और साथ ही साथ इसकी कीमत भी बेहद कम है और पहाड़ी इलाकों में इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफी आसानी से हो पाती है। ये प्रोडक्ट, क्योंकि एक बैग यूरिया के बदले में एक बोतल 500 ml की ये नैनो यूरिया लिक्विड की काम करेगी, इसलिए इसको ले जाने लाने में बहुत ही आसानी है, जो कि पहाड़ी एरिया में बहुत ही दिक्कत का काम था। तो इसको प्रयोग करना आसान है, इसको रखना आसान है, इसको लाना ले जाना आसान है, इसमें पर्यावरण का आपको लाभ होगा। इसके अलावा अब इसमें इसकी कीमत आपकी सिर्फ 240 रुपये है, इसके खर्चे में भी बचत होगी, 8 से 10% आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है कि किस तरह से इस देश में यूरिया की खपत को आधा करना है, और माननीय प्रबंध निदेशक इफको MD के ये प्रयास हैं जिसके कारण ये एक अद्भुत ये जो प्रोडक्ट है ये भारत के किसानों तक पहुंचा है। तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज बारामूला के मालपुरा गांव में एक बैठक का आयोजन किया, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली गई। वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया। मोर्चे के सचिव सौफीक हमीद की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में लोगों से विधानसभा चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ कर करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। हमारा जो पार्टी का मेन एजेंडा है वो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और जो 300 से प्लस स्कीमें हमारी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है हम उसके बारे में इनको आगाही करें। और साथ में कुछ मसले भी थे, वहां मसाइल भी थे लोगों के, जिनके साथ हमारे स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी ने बातचीत की, और हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी पूरी कि हम उनके जो जितने भी मुद्दे मकसद है मसाइल है वो हम हल करेंगे। तो बिश्नोहा के बरहोल गांव में आज अचानक आग की लपटें उठी और धुआं उठने से वहां पर सनसनी फैल गई। यहां एक विशेष समुदाय द्वारा जमा की गई पशुओं की पराली में आग लगने से ही आसपास के लोग भी सकते में आ गए और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि ये आग आसपास बने हुए विशेष समुदाय की कुल्लों तक नहीं पहुंच पाई है, और इतना ही नहीं जाने नुकसान फिलहाल कोई नहीं हुआ था, और आग लगने के कारणों को पूरी तरह यहां खंगाला गया है, जिसमें शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सारी पराली के ऊपर तार जाती है 11,000 वोल्ट ऊपर को स्पर्श किया, उधर का नेट तार पराली आग लगी है, दो धड़ा दो सड़ी रात हुई है, उनका घट को घट भी मतलब 3 लाख का नुकसान हुई है। 30 नवंबर 2016 को पश्चिम बंगाल के सुखना इलाके में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर अरविंद वजाला के परिवार व आरएसपुरा के लोगों के लिए आज एक दिन यहां पर बड़ी सौगात लेकर आया है। आरएसपुरा के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद मेजर अरविंद वजाला के नाम पर रखा गया है, और स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद मेजर अरविंद के पिता थोड़ू राम और माता ने इस पूरी स्कूल का उद्घाटन जब हुआ है वहां पर आभार भी व्यक्त किया। खास बात यह रही कि उनके पिता ने इसी स्कूल के छात्र वो रह चुके हैं, यानी पढ़ाई यहां से की है, जो इस मौके पर भावुक हो उठे। आरएसपुरा के SDM रामलाल और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। नाम जो है इनके नाम पे स्कूल का नाम चेंज, और इससे ज्यादा दूसरी बात ये भी है और ज्यादा प्राउड है मेरे को, क्योंकि मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल की है और इसी स्कूल का नाम मेरे बेटे के नाम पे है, इससे ज्यादा और क्या बहुत ज्यादा प्राउड भी है। शुरू उनमें से एक जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आसपुर है जहाँ हम पढ़े हैं, तो इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट ने अप्रूवल देके तो मार्टियर जो शहीद हुए हैं मेजर अरविंद बजाला, 2016 में इन्होंने वेस्ट बंगाल में इन्होंने लेते हुए अपनी शहादत दी थी, तो इस सिलसिले में आज स्कूल का नाम
है उनके नाम से रखा था। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया हमने और उनके पेरेंट्स ने हमने इनॉग्रेशन किया है। माँ और बाप दोनों आए हैं, हम सब उनके एहसानमंद हैं, सारा देश उनका एहसानमंद है जिन्होंने देश को अपना बेटा दिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।